नमस्कार, मेरा नाम देव है और ये सुबह का वक्त है। दरअसल सुबह के वक्त में आवाजाही कुछ ज्यादा है और यहाँ पर प्रशासन ने नाकेबंदी कर रखी है। मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखा दूं। ये प्रशासन के लोग रात भर यहाँ जग करके पहरा देते हैं और एक बड़ा सवाल है कि जनता अभी तक क्यों नहीं सीख रही। ये पीछे मैं आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ, ये वो स्थान है जहां से आप चाहो क्रॉसिंग ले सकते हो। पीछे हम आपको एक तस्वीर दिखा, भैया एक चलती फिरती दुकान के रूप में निकल गया है। जी जनाब, आपसे बात करें। भैया आपका नाम क्या है? साबिर। कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? मैं मेडिकल स्टोर है, मैं मेडिकल स्टोर बंद करके आ रहा हूं। मेडिकल स्टोर कहां से आ रहे हैं? ऐसे मेडिकल स्टोर है जमालगढ़ रोड पर। जमालगढ़ रोड पर बहुत सारा सामान एक ही गाड़ी पे ले आए आप? लाना पड़ता है ना। अच्छा, बंद रहेगा ना? सही बताओ, मेडिकल स्टोर है? हां सही है, आईडी प्रूफ थोड़ी होता है मेडिकल स्टोर। चलो दिखाऊं मेडिकल स्टोर। दिखाएं एक बात बताइए, वैसे निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मेडिकल स्टोर अलाउड कर रखे ना, जरूरी भी है। चलिए चलिए, ये तस्वीर है, लेकिन हम पीछे एक गाड़ी वाले भाई हैं, उनसे बात करते हैं। भैया रुक जाइए आप, ये भी निकल के आए, इनको रोका गया है। नई सी कार है, तीन बंदे इसमें सवार हैं और एक के चेहरे पर भी बड़ा सवाल है कि मास्क नहीं है। ये एक जिम्मेदारी वाला मामला है कि अगर आप घर से निकल करके आते हो तो कम से कम मास्क तो होना चाहिए। भैया नाम क्या है आपका? आरिफ है जी। आरिफ जी, मास्क कहाँ है आपका? मास्क जी रह गए तो घर है। और पीछे ये दो चार बंदे अपने ही बैठे हैं। अपने ही बंदे हैं चारों, एक पर भाई। कैमरा मैन से चाहूंगा एक गाड़ी के अंदर चार बंदे बैठे हैं, इनको दिखा। बंदे कहाँ हैं? है तो इंसान, ये बताइए आप। इनके सुई लगवानी थी बुखार की। कहाँ पे? डॉक्टर के। सही बताओ। सही बता रहे, लेबर के लिए राशन देने वाला था। आपको मास्क लगा के निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। गलत बात है ना? नहीं गलत बात है जी। चलिए ये तस्वीर है, खैर इनको लोग लगातार बता रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रशासन के लोग इनको बताने के बावजूद भी, लेकिन आखिरकार ये बड़ा सवाल है। मैं आपको दिखा दूं एक बार, अब ये गाड़ी लेकर के जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये जिम्मेदार लोग कब समझेंगे? चार बंदे गाड़ी के अंदर मौजूद थे, चारों के चेहरे पर मास्क नहीं थे। आखिरकार कब तक ये सब चलता रहेगा? प्रदेश के अंदर लॉकडाउन है, सरकार पूरी तरीके से मुहिम में जुटी हुई है कि हमको लॉकडाउन लगा करके कोरोना हराना है, लेकिन जनता है कि साहब समझने को तैयार ही नहीं है।